अरे मम्मी जी, आप बैठी रहो, भैंस के ऊपर बैठी रहो, मैं आराम आराम से लेके चलूंगा घर की तरफ भैंस को। आप भैंस के ऊपर आराम से बैठी रहो, काम का आप परेशान हो रही हो, वैसे भी आपके पैरों में दर्द होने लगा पैदल चलते चलते। मम्मी जी चलो कोई बात नहीं, दूर तो अपना भैंसिया लेने के लिए आए, मगर तुम्हें पता है ये भैंस पूरा 10 लीटर दूध देती है, 10 लीटर, और अपने गांव में दूध की बहुत कमी है, इसीलिए मैंने सोचा लाओ 10 लीटर दूध की भैंसिया खरीद के लेके जाता हूँ और पूरे गांव में फिर बेचूंगा दूध ले जाकर मैं। अरे बहन सोनिया जी, आप भैंस के ऊपर बैठ के कहाँ पे जा रही हो, कहाँ पे जा रही हो? और राहुल जी, आप ये किसकी भैंस लेकर जा रहे हो, कहाँ पे लेके जा रहे हो इस भैंस को? तुम क्या तुम इस भैंस को खरीद के लेकर आयो? अरे मोदी जी, तुम्हें क्या बताऊं, इस भैंस को मैं अभी अभी खरीद के लेके आ रही हूँ, योगी जी के घर से पूरी 1 लाख रुपए की मिली है और ये पूरा 10 लीटर दूध देती है, 10 लीटर, और मुझे पैदल पैदल चलते चलते मेरे पैरों में दर्द होने लगा, इसीलिए मैं भैंस के ऊपर बैठ गई। भाई राहुल जी, आप भैंस जब खरीदने के लिए गए थे तो अपनी मम्मी जी को तुम नहीं लेके जाते, अकेले ही चले जाते भैंस खरीदने के लिए? अरे बिचारियों के पैर में दर्द होने लगा पैदल जाते जाते और पैदल आते आते इतनी दूर से। और राहुल जी, तुम मेरी बात एक और सुन लो, रोज मुझे आधा किलो दूध दे देना आप, ताजा ताजा, जब भी आप निकाला करो सुबह में मुझे दे दिया करो आधा किलो दूध, क्योंकि मुझे चाय की बहुत दिक्कत होती है, दूध की परेशानी बहुत होती है। मोदी जी, मैंने कब मना करा, ले लेना ले लेना, आप लोगों के लिए तो भैंस खरीद के लेके आया हूँ, मैं भैंसिया का दूध बेचा करूंगा मैं अपने गांव में ताजा ताजा बढ़िया सा निकाल के। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।